चुके हैं अजय राय ये मौजूद है और काफी खुशी है इस फैसले को लेकर। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से फैसला आया है, 32 साल का इंतजार पूरा हुआ है, 32 साल के इंतजार के बाद ये फैसले की घड़ी आई है, लिहाजा उनके चेहरे पर खुशी भी देखने को मिल रही है। और फैसले के साथ साथ अजय राय ने विक्ट्री का निशान भी दिखाया, क्योंकि बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है अजय राय की तरफ से, क्योंकि 32 साल का इंतजार था और 32 साल के इंतजार के बाद आज वो फैसले की घड़ी आ गई, लिहाजा आप चेहरे पर खुशी भी देख सकते हैं किस तरह की खुशी है। अजय राय के वकील हैं, किस तरह की लड़ाई आप लोगों के द्वारा वोट बिल्कुल ठीक है नवीन, वहाँ पर बहुत भीड़ है, सुरक्षा कर्मियों की भी, वकीलों की भी और मीडिया कर्मी भी वहाँ पर मौजूद हैं। आपको आप चाहते हैं कि वकील से बातचीत हो, लेकिन मुश्किलात भी सामने आ रही हैं। ठीक है, अजय राय को हमने सुना, उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक वो डटे रहे, डिगे रहे, पीछे हटे नहीं, दबाव लगातार उन पर बनाया गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और आज उसी का परिणाम है कि फैसला उनके हक में आया है। अजय राय ने ये बात कही और न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है। आदमी के ऊपर से जिस तरीके से आज निर्णय आया, निश्चित रूप से न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है। तो कितना लंबी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ी? निश्चित रूप से लंबी लड़ाई लड़ना पड़ा, कई मोड़ उसके आए, लेकिन आज अनंता उनको सजा करके सफलता मिल गई, आजीवन कारावास, 1,00,000 रुपए की सजा हुई है अवधेश राय हत्याकांड में। अब मुख्तार अंसारी की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की जाएगी, तो वहाँ वो क्या की जाएगी तो मुख्तार अंसारी बताएंगे। तैयारी है पूरी? पूरी तैयारी है, हाईकोर्ट में भी उनका चपके विरोध किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है, क्योंकि हाईकोर्ट जाने की तैयारी है और देख सकते हैं अजय राय को काफी इलाके इस तरह से जाता हुआ, जीत की खुशी किस तरह से मनाई जा रही है, काफी उत्साह में अजय राय के समर्थक देखने को मिल रहे हैं। और अजय राय खुद आप देख सकते हैं विक्ट्री का निशान, अजय राय जी विक्ट्री निश्चित तौर से हम सब लोग 32 साल से लड़ रहे थे और उसका परिणाम आज न्यायपालिका ने हमें दिया, हम आज न्यायपालिका को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस तरीके से लगता उत्साह देख सकते हैं, समर्थकों का किस तरह का उत्साह है, गाड़ी पर देख सकते हैं, गाड़ी पर चढ़े हुए समर्थक उत्साह बता रहा है कि 35 साल का लंबा इंतजार अब पूरा हुआ है, बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है कि अजय राय के परिवार को बहुत बड़ी जीत मिली है, लिहाजा उत्साह का माहौल देखने को मिला है। विक्ट्री भी अजय राय के द्वारा दिखाई जा रही है, अजय राय के द्वारा देख सकते हैं किस तरह से उत्साह चेहरे पर खुशी देखने को मिली है, विक्ट्री का निशान दिखाया जा रहा है, विक्ट्री दिखाई जा रही है, पूरा हुआ है और 32 साल के लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं आज अजय राय और उनके परिवार को न्याय मिला है। तो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं अजय राय और साथ ही उनके साथ में बहुत बड़ी संख्या में समर्थक भी उनके नवीन हम देख पा रहे हैं, जो उनके साथ लगातार डटे रहे, उनका भी वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि उनको इसी फैसले का उनको इंतजार भी था और ये पूरी उम्मीद थी कि न्यायपालिका उनके हक में ही फैसला सुनाएगा। और इसी के साथ ही नवीन, अजय राय ने सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, उन्होंने कहा कि उनको सुरक्षा की जरूरत है और कड़ी सुरक्षा उनकी होनी चाहिए, उनकी अपनी जान को खतरा बता रहे हैं अजय राय। नवीन जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का फैसला था मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला था, लगातार अजय राय ने कोर्ट से और पुलिस प्रशासन से गुहार भी सुरक्षा को लेकर लगाई थी, जिसके बाद दो कांस्टेबल उनकी सुरक्षा में प्रशासन द्वारा दिए गए थे, लेकिन आज चूंकि फैसला आया है अजय राय के खिलाफ, लिहाजा अजय राय ने अपनी सुरक्षा का हवाला दिया है और ये भी बताया है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। तो लगातार अजय राय अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि मामला इस तरह का था मुख्तार अंसारी, वो समायोजित होगा नहीं होगा ये हाईकोर्ट तय करेगा। क्या ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता भी साफ है? ऊपरी अदालत में वो जाएंगे, उसमें भी हम लोग जाके वहाँ पर अपने वकील लग के वहाँ पर हम लोग विरोध करेंगे। बीसी के जरिए मुख्तार अंसारी जुड़ा था? हाँ, बीसी के जरिए उनकी पेशी हुई थी। हम लोग चाहते थे कि बीसी की हो, लेकिन बर्खास्त हो गई। हाँ, हम लोग ये चाहते थे कि अधिक से अधिक सजा हो, न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय से हम लोग संतुष्ट हैं। हम ये कहते हैं कि न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया उस निर्णय से हम लोग संतुष्ट हैं। ये तो हमने देखा नहीं, वो कोर्ट की तरफ ओबीसी में उनका फोटो था। अनु जी, कितना संघर्ष करना पड़ा ये सेक्टर? काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संघर्ष का अंत में रिजल्ट अच्छा आया और मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा हुई। क्या इस सजा के बाद आपको लगता है कि माफियाओं में फौज की स्थिति रहेगी? ये निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा कि जिस तरीके से अजय राय ने मेहनत करके, परिश्रम करके इस मुकदमे में सजा दिलाने में मुख्तार को सफलता दिलाई है, वो उनका अहम रोल रहा है इस मुकदमे के सजा कराने में। ये बाकी लोग नहीं, वो इन लोगों का इलाहाबाद में पेंडिंग है विचाराधीन है मामला राकेश नाइक के खिलाफ।
तो अजय राय के वकील को आप सुन रहे थे, वो जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबा संघर्ष, लेकिन लंबे संघर्ष में जिस तरीके से हौसला नहीं हारे अजय राय, उसी का ये परिणाम है कि आज फैसला आया है और मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। नवीन लगातार बने हुए, नवीन ये कह रहे हैं, अजय राय के वकील को हम लगातार सुन रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट में भी जाता है मुख्तार अंसारी का वकील या फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचता है तो हमारी तैयारी पूरी है, वहां जाकर भी विरोध किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वकीलों का साफ कहना है कि पूरी तरह से वो तैयार हैं, क्योंकि 32 साल इस पूरे मुकदमे को लड़ा गया है और लिहाजा इस केस के एक एक बारीकी को समझने का प्रयास वकीलों के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ अजय राय का भी ये कहना था कि अगर वो ऊपरी अदालत में अपील करते हैं तो वहाँ पर भी उसको पूरी तरह से पूरे दमखम से के साथ लड़ा जाएगा। तो तैयारी तमाम है और तैयारी वकीलों की भी है। इसके साथ साथ वकीलों के साथ साथ अजय राय भी तैयार हैं, क्योंकि 32 साल जिस तरह से सारे मुकदमे जिस तरह से मुकदमों को लेकर सभी जो कचहरी में सुनवाई हो रही थी उस सुनवाई में अजय राय खुद पहुंचते थे और तथ्य रखते थे। हालांकि मुख्तार अंसारी के तरफ से कहीं ना कहीं इस मामले को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, गवाहों को हड़काने का काम किया गया, केस की मुख्य डायरी को गायब कराने का प्रयास किया गया, लेकिन अजय राय इस पूरे मामले को सख्ती से लड़े और इसके साथ साथ पूरे दम के साथ लड़ते हुए 32 साल बाद आज उन्हें न्याय मिला है और मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आप देख सकती थी चेहरे से किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा था, अजय राय के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार था और अजय राय का भी ये कहना था कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए काफ़ी बड़ा दिन है आज का, लिहाजा वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। विक्ट्री का निशान, जीत का निशान दिखाते हुए अजय राय अपने घरों की तरफ बढ़े। इसके साथ साथ उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह से समर्थक भारी संख्या में पहुंचे थे, सुरक्षा का हवाला अजय राय को दिया गया, शायद यही वजह थी कि प्रशासन द्वारा तमाम तरह की फोर्सें वाराणसी के कचहरी परिसर स्थित परिसर में तैनात की गई थी, छावनी में तब्दील किया गया, क्योंकि जिस तरह का मामला था मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ उस मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट देखने को मिल रहा था और प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। लेकिन अजय राय ने एक सवाल भी खड़ा किया कि अगर उनको जान को, क्योंकि जिस तरह का मुख्तार अंसारी जी हम लोगों की मांग थी फांसी होनी चाहिए, चूंकि डेलाइट मर्डर था, ब्रूटल मर्डर था, लेकिन न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, उस न्यायालय के उस निर्णय से हम संतुष्ट हैं, 1,00,000 रुपए का जुर्माना दिया गया है। फैसला आ गया, लेकिन आप लोगों को सुरक्षा को लेकर किस तरह से डर है, क्या मांग? निश्चित रूप से जिस हिसाब से कुख्यात अपराधी के खिलाफ आजीवन मुकदमा तथा तमाम हमारे साथी अधिवक्ताओं ने पैरवी किया, उनको सुरक्षा सरकार को मुहैया करानी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।